बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे पहले इसका इंट्रोडक्शन को स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर इसको प्रॉपरली इसको स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल। इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट्स यू नो के मैथ्स में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ठीक है। और लाइक अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल में बात करूं, तो अगर हमारे पास एक स्टूडेंट्स के एक रेगुलर पिज्जा आप लेते हो और उसमें 8 स्लाइसेस हैं, ठीक है, और 3 पर्संस हैं खाने वाले पिज्जे को, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। उस सिचुएशन को हम इसी तरह लिखेंगे ना कि 8 स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस 8 हैं, ठीक है, और 3 पर्संस हैं, 3 पर्संस इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो 8/3 आ जाएगा ये रिजल्ट। मीन कि हर पर्सन के जो हिस्से में स्लाइस आएंगे वो 8/3 आएगा। अगर इसको मैं मजीद सॉल्व कर लूं तो वो आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, और 2/3, मतलब मिक्स फ्रैक्शन के टाइप में आ जाएगा कि हर पर्सन को 2 स्लाइस तो मस्ट आएंगे, ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 स्लाइस होंगे वो उसको, ठीक है, वो कुछ पार्ट्स में तब्दील कर लेंगे ताकि जो है वो आपस में वो डिवाइड कर सके, ठीक है। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स ये इम्प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मैथमेटिकली हम इसका सोल्यूशन फिर भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि 8/3 या आप कह सकते हैं 2/3, मीन 3 पर्सन जो है वो 2, तो 3 पर्सन में हर एक को 2-2 तो कंप्लीट स्लाइसेस आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो लास्ट 2 स्लाइसेस बचेंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे, उसको वो फिर वो डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये मैथमेटिकली जो है वो सॉल्वेबल है, ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली प्रॉब्लम को देखें, लाइक अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 विच इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² - 1, ठीक है। अब हम दोनों तरफ स्केयर रूट लें, ठीक है, तो इसी तरह लेते हैं ना हम कि दोनों तरफ जब स्केयर रूट लेंगे तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास x आ जाएगा। लेकिन हम मैथमेटिकली -1 का स्केयर रूट को सॉल्व ही नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। -1 का स्केयर रूट जो होता है उसको मैथमेटिकली हम कोई सोल्यूशन नहीं उसका, मीन विच डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन इन रियल नंबर्स, बिकॉज द स्केयर रूट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव क्योंकि हमारे पास स्केयर रूट आता ही नॉन नेगेटिव वैल्यूज का है जो नेगेटिव ना हो, ठीक है। लेकिन अब स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है, तो इस वजह से इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटा तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि अराउंड 300 इयर्स अगो जो है वो ग्रीक साइंटिस्ट ने इसको स्केयर रूट -1 को एक ग्रीक नंबर से आयोटा का नेम दे दिया, ठीक है, ताकि हम इस डिफिकल्टी से बच सकें, ताकि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी डील कर सकें, ठीक हो गया। तो अब मजीद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट इम्प्लाइज डैट, इस रिलेशन की बात कर रहा हूं,
तो बेटा दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो हमारे पास यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहां से रिजल्ट आ जाएंगे कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है और अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए जिनकी बेस पे हम जो है वो अपने कंप्लेक्स नंबर्स की जो पूरी ब्रांच है मैथ्स की, एक कंप्लेक्स एनालिसिस की, ठीक है, वो उसको हम डील करते हैं। ठीक है, अब ये सारे रिजल्ट्स जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं जो है वो क्या कहते हैं इसको, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर फॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन को करते हैं। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी अयोटा वेयर ए एंड बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर रूट होता है आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कह सकता हूं यहां पे लाइक बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट हम कैपिटल जेड से करते हैं। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल जेड। ठीक है, अब से एग्जांपल में मैं कहता हूं लाइक जेड इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा। ओके मीन अब 2 और 3 बेटा ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और अयोटा हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसी तरह से मैं कह सकता हूं Z1 इज इक्वल टू 2, सिंपली मैंने 2 बोल लिया। ठीक है, अब बेटा यहां पे जो अयोटा वाला पार्ट है वो 0 अयोटा है, अब देखना है 2 और 0 भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम इसी तरह भी कह सकता हूं Z2 इज इक्वल टू सिंपली 3 अयोटा। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास रियल पार्ट जो है मैंने 0 लिख दिया, तो 0 और 3 मेरे पास बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, अच्छा क्लास, अब यहां पे इसमें जो लिखा है हमने ए प्लस बी अयोटा, बेटा इस पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, और इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नोट में मैं कुछ रिजल्ट्स लिखवा देता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नोट फर्स्ट नोट है स्टूडेंट्स, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट।
स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि लाइक जेड इज इक्वल टू, मैंने बोला टू लिखा था मैंने, ठीक है। अब टू हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो अयोटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो जेड था एक रियल नंबर था पहले, कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे ये लाइक जेड इज इक्वल टू मैंने टू लिखा था ना, तो हम इसके साथ जीरो लगा के अयोटा साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर जीरो आंसर ही आ जाएगा, तो यही वैल्यू बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, ओके। सेकेंड पॉइंट है, जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर एफएससी जिसमें जिन बच्चों ने की हुई है, या आईसीएस जिन्होंने किया हुआ है, तो उनके लिए ये सारे रिजल्ट्स उन्होंने पहले ऑलरेडी पढ़े होंगे। लाइक फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 है, वहां पे आपने ये सारे रिजल्ट्स पढ़े होंगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन जिन बच्चों ने सिंपल एफए किया हुआ है, या इसके अलावा आईकॉम किया हुआ है, या दूसरी फील्ड्स के हैं, तो उन्होंने ये रिजल्ट्स नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इस वजह से मैं अक्सर मैथ्स के जो बेसिक चीजें हैं उनको भी मैं कोशिश करता हूं कि एज जितना मुझसे हो सके उसको मैं डीप जा सकूं, बेसिक स्टेप्स कर सकूं, ताकि सभी बच्चों को इस बात की समझ आ जाए। क्योंकि जिन्होंने तो एफएससी की है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होता है, जो सिंपल एफए वाले होते हैं, या जो दूसरी फील्ड से आते हैं, जिन्होंने जो है वो मैथमेटिक्स एफएससी के लिए जो होता है इंटरमीडिएट में, जो एफएससी और आईसीएस वाले पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए प्रॉब्लम होती है। एनी हो स्टूडेंट्स, इफ, अब हमें पता है रिलेशन, एक जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा होता है, ऐसे ही है ना, कि अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि ए इज इक्वल टू जीरो है, इफ ए इज इक्वल टू जीरो यहां पे है, तो देन हमारे पास रिजल्ट यहां पे क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू बी अयोटा रिमेनिंग रिजल्ट ही आ जाएगा ना, कि अगर मैं ए की जगह जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग रिजल्ट बी अयोटा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन बी अयोटा इज कॉल्ड, ये मतलब ये जो रिजल्ट बी अयोटा बना है हमारे पास, इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी हम बोल सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू टू अयोटा, ठीक है, जेड वन इज इक्वल टू थ्री अयोटा, जेड टू इज इक्वल टू फोर बाय फाइव अयोटा, etc, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब इंटेग्रल पावर्स ऑफ अयोटा, इनको हम किस तरह डील करेंगे, इंटेग्रल पावर्स ऑफ अयोटा। स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे लाइक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट माइनस वन होता है। बेटा इसको अंडर रूट नहीं पढ़ना, अक्सर स्टूडेंट्स इसको अंडर रूट पढ़ते रहते हैं, इसको स्केयर रूट पढ़ना है, वर्ड से ही स्केयर रूट है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट माइनस वन होता है। अब बेटा अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, सॉरी स्केयर लेते हैं, तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी ना, तो मीन हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल होने के बाद आंसर माइनस वन आ गया। तो हम कह सकते हैं आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, ओके। इसी तरह से अगर हमारे पास आयोटा क्यूब आ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे, आयोटा क्यूब कैसे को डील करेंगे। बेटा हम ये देखेंगे कि जो इससे आयोटा क्यूब जो लिखा हुआ है, इससे छोटा जो इवन नंबर है उसकी फॉर्म में हम इसको बना देंगे। मीन जब भी हमारे पास पावर में ऑड नंबर होगा, बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आयोटा की पावर में जब भी ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर किन को बोलते हैं, तीन पांच, एक तीन पांच सात अप टू सोन, ठीक है, ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। अगर बेटा आयोटा की पावर में एक पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है, तो हमने उस ऑड नंबर से छोटा जो इवन नंबर होगा उसमें उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है जी। अब थ्री से छोटा इवन नंबर वो क्या है, आयोटा स्क्वायर है,
तो हम लिख सकेंगे अयोटा स्क्वेयर इंटू अयोटा, ठीक है। और हमें अभी रिजल्ट्स पता चला है कि अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, तो हम वैल्यू के अंदर पुट करेंगे माइनस वन और ये अयोटा वैसे ही आ जाएगा, बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा, अयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस अयोटा। बेटा ये मैं सारे स्टेप्स इक्वल लगा के एक ही लाइन में कर रहा हूं, नॉर्मली हम इस तरह स्टेप्स नहीं करते, लेकिन मैं एक लाइन में इसलिए से कर रहा हूं ताकि आपके लिए जो है वो समझ आ सके आपको, क्योंकि नीचे डिटेल में करूंगा तो फिर वो चीज काफी मतलब अजीब सी नजर आएगी, तो लेकिन आपने जो है वो इस तरह जो है वो इक्वल लगा लगा के साथ साथ नहीं करना, नॉर्मली इस तरह कम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अयोटा क्यूब हो गया इसी तरह से, इसी तरह से मैं से कहता हूं अयोटा की पावर अगर 4 है, अब इवन पावर आ गई है, ठीक है। इवन पावर बेटा जब भी होगी, जब भी, अभी मैंने ऑड पावर का रूल बताया आपको कि ऑड पावर होगी तो उससे छोटा इवन नंबर बनाना है आपने, अयोटा स्क्वेयर इंटू अयोटा लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखें, बेसिस सेम है, आपने पढ़ा था ना ये बेसिस सेम, पावरें ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये चीज ये बनती है। अब अयोटा की पावर 4 है, इवन नंबर जब पावर आ जाएगी तो बेटा उसमें आपने क्या करना है, जब इवन पावर होगी तो आपने 2 का मल्टीपल बनाना है, आपने जो है वो बगैर सोचे समझे जब भी इवन पावर होगी आपने अयोटा स्क्वेयर पहले लिख देना है, जब भी इवन पावर होगी बगैर सोचे समझे आपने अयोटा स्क्वेयर लिख देना है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि अब 2 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, 4 बनेगा। अब 2 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 1 2, अब यहां पे जब 2 आएगा तो 2 2 4, ये कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। तो अयोटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन होता है और 2 स्क्वेयर ऐसे ही आएगा। बेटा इवन नंबर, इवन पावर जब हो किसी भी वैल्यू के ऊपर, इवन पावर अगर हो तो बेटा उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है, इवन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके भी बता देता हूं, माइनस वन का स्क्वेयर है, इसका मीनिंग बेटा क्या होगा, माइनस वन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर प्लस वन आ जाएगा, ओके। से अब मैं अयोटा की पावर 5 कहता हूं, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। अब बेटा आपको पता है इसकी पावर 5 है, ऑड नंबर है, अभी ऑड नंबर का हमने रूल पढ़ा था, इससे छोटा इवन बनाना है, तो अयोटा की पावर क्या बन जाएगी, 4 इंटू अयोटा। अब इनको सॉल्व करें, बेसिस सेम, पावरें जमा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अयोटा 4 है, इसको भी अब सॉल्व करना है। अब बोला था मैंने इवन पावर को कैसे सॉल्व करना है, कि हमने जब भी इवन पावर हो तो हमने अयोटा स्क्वेयर पहले लिखना है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 को, पहले फर्ज करें यहां पे 1 है, 2 1 2, ठीक है, तो यहां पे 4 चाहिए, अब 2 यहां पे लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है, इंटू अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वेयर इक्वल किसके होता है, माइनस वन का स्क्वेयर इंटू अयोटा, और माइनस वन का स्क्वेयर आपको पता है 1 होता है, 1 इंटू अयोटा, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, मैं तो एक लाइन में सारा कुछ लिखता जा रहा हूं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने वर्टिकल इसको लेके चलना। अयोटा की पावर 6 है, अयोटा की 6 बेटा है, इसमें अब देखना है कि ये 6 इवन नंबर है, जी इवन नंबर है, ठीक हो गया। तो इसको बेटा अब क्या करेंगे, हम अयोटा स्क्वेयर पहले लिखा, अब हमने मल्टीपल बनाने, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 नहीं बनता, 6 नहीं बनता, फिर जब 2 में लिखेंगे यहां पे तो 2 2 4 होता है, 6 बनाना है हमने, जब यहां पे 3 लिखेंगे तो तब जाके 6 बनेगा, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 मल्टीपल 6 हो जाएगा हमारे पास ये, तो अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, इसकी पावर 3, ठीक है। तो अब -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर की पावर बेटा जो होती है ना, ऑड नंबर जब भी पावर में आ जाए तो बेटा उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में रहता है, अगर इवन पावर हो तो आंसर पॉजिटिव बन जाता है, ऑड हो तो नेगेटिव रहता है, इसको चेक भी कर सकते हैं। -1 की पावर 3 है तो बेटा इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, -1 -1 -1, ये आपके समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो रिजल्ट डायरेक्ट है, ये माइनस जरा माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस जरा माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 -1 के इक्वल आएगा रिजल्ट, ओके। अयोटा की पावर 7 है स्टूडेंट्स, अब ये पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर्स को कैसे डील करते हैं, मैंने पहले बोला है कि आपने छोटा इवन नंबर बनाना है, मीन अयोटा स्क्वेयर अयोटा की 6 आ जाएगा, इंटू अयोटा आ जाएगा। अब इसकी सॉल्व करें, बेसिस सेम, पावरें जमा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये चीज बन रही है, ठीक लिखा है हमने। अब अयोटा की पावर 6 है तो स्टूडेंट हम अयोटा पहले स्क्वेयर लिखेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, मतलब 6 लाना है हमने, फिर 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, 3 मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है, मीन 3 2 6 बनता है, इंटू अयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा। अयोटा स्केयर वैल्यू किसके बराबर होता है, -1 का क्यूब इंटू अयोटा। अब स्टूडेंट्स -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो बेटा आंसर उसका नेगेटिव आता है, ठीक है, और इंटू अयोटा एज इट इज सॉल्व करें तो -अयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा अप टू 100 ऑन आप सॉल्व करते जाएंगे, मैं से कहता हूं अयोटा की पावर
टेन है, ठीक है, तो बेटा उसको कैसे डील करेंगे, आयोटा की पावर टेन है तो बेटा इवन पावर है, तो इवन पावर को कैसे डील करते हैं हम, आयोटा की पहले स्केयर लिखेंगे यहां पे, अब टू को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टेन बनेगा, वन बाय वन मल्टीप्लाई करें, पहले वन से मल्टीप्लाई करें, फिर टू से कराएं, फिर थ्री से, फिर फोर से, लेकिन जब हम फाइव लिखेंगे यहां पे तो तब ये टेन बन जाएगा। तो आयोटा स्केयर वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, इसकी पावर फाइव, तो पावर ऑड नंबर है, तो आंसर पता है हमें, ऑड नंबर की पावर जब भी हो तो वो नेगेटिव ही आंसर आता है। सिमिलरली इसी तरह मैं कहता हूं आयोटा की पावर 17 है, इसको कैसे डील करेंगे स्टूडेंट्स, अब ऑड पावर है, ऑड पावर को कैसे डील करते हैं, इससे छोटा इवन पावर बनाना है, वो आयोटा की 16 हो जाएगा इंटू आयोटा आ जाएगा, सॉल्व करें बेसिस से, हम पावर जमा 16 और एक 1 17 हो गया, ठीक है, तो आयोटा की 16 है बेटा, अब इसको देखेंगे आयोटा की 16 को हमने पहले आयोटा स्केल लिख दिया, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 16 बनेगा, तो जाहिर बात है पहले 1 से करवाएं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 6, जब हम जाएंगे 8 पे जाके 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये 16 बन जाएगा, इसका मतलब ये ठीक है, तो आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्केयर वैल्यू माइनस वन का 8 हो जाएगी इंटू आयोटा, जब भी इवन पावर हो अंदर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 1 एज इट इज आ जाएगा इंटू आयोटा आ जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद आयोटा आ जाएगा, आयोटा की 17 इक्वल किसकी होती है, आयोटा की। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा समझ आ गया होगा टॉपिक, ये जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे बहुत हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होगा, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्टूडेंट चार एलिमेंट्स हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, फॉर ऑल ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, हमारे पास आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, यही होती है ना, तो मैं कहता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, यहां पे मैं कहता हूं लेट स्टूडेंट्स जेड वन, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है ए प्लस बी आयोटा, जनरल बात कर रहा हूं, एंड जेड टू मैं कहता हूं से मेरे पास सी प्लस डी आयोटा, ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, फॉर इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसके लिए स्टूडेंट्स ये होगा कि जेड वन इक्वल टू जेड टू होगा, इसका मतलब यही होगा ना, जेड वन इक्वल टू जेड टू होगा, अब जेड वन की वैल्यू क्या है वो है ए प्लस बी आयोटा और जेड टू की वैल्यू क्या है सी प्लस डी आयोटा, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, तो इक्वेलिटी में क्या होगा, हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज डेट के रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के, मीन ए इक्वल टू सी होगा एंड और इमेजिनरी पार्ट जो होगा, ये इमेजिनरी पार्ट ये से बोलते हैं बी इज इक्वल टू डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, जब भी इक्वेलिटी की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इधर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, आयोटा को नॉर्मली हम वो अल्टीमेट कैंसिल ही हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लिखा हुआ है, वो प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे आता है, मतलब पेपर में हमें क्वेश्चन आ जाता है या हमें गिवन क्वेश्चन जो है वो ये है, एक्स प्लस थ्री आयोटा विच इज इक्वल टू टू प्लस वाई आयोटा, ये हमें प्रॉब्लम गिवन है, ये हमें प्रॉब्लम गिवन है, तो बेटा अब उसने खुद ही प्रॉब्लम वाले ने इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब इक्वल लिखा हुआ है, हमें डेफिनेशन पढ़ा है, पता है इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होता है, तो हम डेफिनेशन को यूज करते हुए क्या कहेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्टूडेंट वो क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल एक्स इज इक्वल टू टू, मीन रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल थ्री इक्वल टू वाई आयोटा, बेटा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, वो छोड़ देंगे उसको, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट बेटा टॉपिक आ रहा है, ये सारे रिजल्ट अभी हम प्रॉब्लम जब करेंगे एक्सरसाइज में जाके तो वहां पर ये यूज होंगे।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कॉन्जुगेट में बेटा, लेट हम कहते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई होता है, ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और आपको पता है कि ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर से और आयोटा इक्वल टू होगा माइनस वन का स्क्वायर रूट। बेटा जब भी लिखेंगे तो उसकी पूरी डेफिनेशन की बात करनी है, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट को बेटा डिनोट करते हैं जेड, मतलब जो भी एलिमेंट लिखा हो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। हमने ये बार लगा दिया, ये कॉन्जुगेट को डिनोट करने का साइन होता है। तो जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। मीन प्लस लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड आ जाएगा, मतलब ये कॉन्जुगेट होगा इस जेड का, ठीक है। कि सिर्फ क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली वैल्यू है उसके साथ जो अलामत लिखी होगी साइन होगा, अगर प्लस लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिखा होता तो प्लस हो जाना था, ठीक होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक से मैं कहता हूं जेड इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3-4 आयोटा। तो स्टूडेंट इसका जेड बार कैसे लेंगे हम, इसका जेड बार ऐसे होगा हम बार ले लेंगे यहां पर, और जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वैल्यू जो सिर्फ जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका लामत चेंज होगा 4 आयोटा, ठीक है। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। सेम मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जेड टू वो बेटा वैल्यू है सेम मैं कहता हूं 3-3+4/3 आयोटा, ठीक है। अब इसका जेड टू का कॉन्जुगेट लेना है तो हम 4/3 आयोटा के ऐसे लिखेंगे, और बेटा जस्ट हमारे पास अलामत जो चेंज होगी वो कॉन्जुगेट में आयोटा के साथ वाली चेंज होती है, वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4/3 आयोटा, ये जेड टू का कॉन्जुगेट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको कॉन्जुगेट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आ रहा है वो है कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट, मैं वो बता देता हूं जल्दी से। नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स ए प्लस बी आयोटा अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ए माइनस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मीन अगर मैं इसका बार लूं तो आंसर ये आ जाएगा, अगर इसका बार लूं तो आंसर ये आ जाएगा। आर कॉन्जुगेट to each other, ओके। से मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं बेटा, every real number is self conjugate. Like अगर मैं example देता हूं कि z is equal to लिखा हुआ है अगर 2 लिखा हुआ है, ये एक real number है ना, क्योंकि इसमें 0 imaginary part है। तो रियल नंबर बेटा जो होता है ना उसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो वो क्या होगा, वो उसका अपना आप ही आ जाएगा, क्योंकि यहां पे लामत चेंज होगी, जीरो प्लस में हो या नेगेटिव में हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं जेड बार इज इक्वल टू 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 पॉइंट है बेटा, अगर हम जेड बार का फिर बार लें, मीन जो बार का आंसर आएगा उसका फिर बार लें, तो बेटा आंसर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये बेटा एक थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की हम किस तरह करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। बेटा मैं जनरल पहले बात कर देता हूं, लेट हमारे पास जो है वो जेड वन है ए प्लस बी आयोटा, ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और आयोटा इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट माइनस वन की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जेड टू मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आयोटा,
ए सॉरी सी कॉमा डी ये भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और योटा इक्वल टू हमारे पास होता है -1 का स्क्वायर। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। अब इन दोनों को एक बार मैं ऐड करके दिखाता हूँ और एक बार सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। जब ऐड करेंगे बेटा तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के अंदर ऐड और राइट साइड को राइट साइड के अंदर ऐड। जब लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 होगा विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ऐड कर रहा हूं। अब बेटा अब इसका रिजल्ट लिखने कैसे है? बेटा जो रियल पार्ट होता है उसने रियल पार्ट में ऐड होना होता है, इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी पार्ट में ऐड होना होता है। मीन मैं लिखूंगा ए प्लस सी, ये रियल पार्ट को ऐड कर दिया। आगे लिखूंगा मैं प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है बी प्लस डी। अब बेटा बी अयोटा प्लस डी अयोटा होगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब इसमें से अयोटा कॉमन आ रहा है तो यहां पे रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, बी प्लस डी अयोटा बाहर लिख लूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको दोबारा सॉल्व करके देखें तो पिछली चीज हमारे पास बन रही है, इसका मतलब हमने ये स्टेप ठीक किया। तो इस तरह हम सम करते हैं Z1 प्लस Z2। ओके अब अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है एंड, तो हम लिखेंगे Z1 माइनस Z2, उसके लिए क्या करेंगे वही वैल्यू होगी ए प्लस बी अयोटा, Z1 की वैल्यू माइनस ऐसे ही आ गया, Z2 की वैल्यू क्या है सी प्लस डी अयोटा। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे ए माइनस सी, और माइनस मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं बी। ठीक है चलो एक स्टेप कर देता हूं आपके लिए, चलिए आसानी हो जाएगी, प्लस बी आयोटा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस डी आयोटा, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस सी लिख दिया यहां पे, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस डी आयोटा हो गया। अब बेटा यहां पे हम इसको कॉमन लेते हैं, जिससे मैंने वहां पे कॉमन लिया अयोटा कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रह जाएगा बी माइनस डी अयोटा, तो ये Z1 माइनस Z2 की सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको भी हम इसी तरह डील करेंगे। मैं बेटा यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पे 3 प्लस 7 अयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। अब दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे, Z1 लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के अंदर ऐड, Z1 Z2 के अंदर ऐड विच इज इक्वल टू क्या होगा 3, पहले Z1 आ रहा है तो लिखेंगे 3 प्लस 7 अयोटा, फिर आगे प्लस आ रहा है, फिर आगे सेकेंड वैल्यू 2 प्लस अयोटा। ओके अब बेटा जब इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड ये जो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड 3 प्लस 2, और इमेजिनरी पार्ट में आपको पता है इमेजिनरी पार्ट ऐड 7 अयोटा प्लस अयोटा, ऐसे ही है। बाद में हम 3 और 2 5, यहां से अयोटा कॉमन ले लेंगे, 7 प्लस 1 आ जाएगा बाहर अयोटा आ जाएगा 5 प्लस। ओके इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2 वो कैसे करेंगे, पहले Z1 में लिखा हुआ है तो Z1 की वैल्यू लिखेंगे प्लस 7 अयोटा, माइनस आगे लिखा हुआ है फिर आगे वैल्यू आएगी 2 प्लस अयोटा की। ओके बेटा जब भी नेगेटिव साइन लिखें हम तो फौरन से नेक्स्ट वाली वैल्यू में ब्रैकेट लगानी होती है, ताकि आपका अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता फिर वो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई नहीं करवाते अंदर, जिसकी वजह से आंसर प्रॉब्लम गलत हो जाता है। तो कोशिश किया करें नेगेटिव साइन के बाद जो भी वैल्यू आ रही है तो उसके बाद फौरन ब्रैकेट लगा दिया करें, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। एनी हो तो इसको सॉल्व कर लें आप एक स्टेप में, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 -iota हो जाएगा। ठीक है अब रियल पार्ट इसमें से कौन सा है, ये रियल पार्ट है 3 माइनस 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है +7iota -iota। तो यहां से बेटा 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत प्लस की है, प्लस यहां से आयोटा कॉमन ले लें 7 माइनस 1 आयोटा, तो 1 प्लस 6 आयोटा, ये बेटा Z1 माइनस Z2 की वैल्यू हमारे पास यहां पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन कैसे हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने पहले ऊपर लेट किया इसी तरह पहले जनरल बात करूंगा। लेट मैं कहता हूं Z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा हमारे पास है, एंड Z2 हमारे पास जो है वो सी प्लस डी आयोटा है, वेयर यहां पे स्टूडेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी एंड कॉमा डी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एंड
आयोटा इज इक्वल टू होता है माइनस वन का स्केयर रूट। मेरे पास बेटा मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए। अब फर्स्ट वैल्यू में मैं बोलता हूं यहां पे स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं इफ मेरे पास एक नंबर के है बिलोंग करता है रियल नंबर से, के नंबर अब क्या है यहां पे, रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, मीन आयोटा वाला नंबर नहीं होगा, बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है। एंड मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, जो ऊपर मैं डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी। अब इन दोनों को ये स्केलर मल्टीपल है, ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, के जेड वन ऐसे ही होगा ना, लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इसी तरह से ये नंबर राइट साइड पे मल्टीप्लाई भी होगा, के इंटू ए प्लस बी आई ओटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा के ए प्लस के बी आयोटा। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस तरह हम करेंगे सिंपली, कोई भी नंबर स्केलर जो है इसको स्केलर नंबर बोलते हैं, या जो सिंपल आयोटा ना हो मतलब रियल नंबर हमारे पास जो लिया गया नंबर उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो बेटा लेफ्ट पे मल्टीप्लाई भी होगा राइट पे मल्टीप्लाई भी होगा और सिंपली ये के ए और के बी आयोटा आ जाएगा ठीक है। सेकेंड है कि बेटा अगर हम हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मल्टीप्लाई हो, यहां पे था एक रियल था और एक कॉम्प्लेक्स था, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो ठीक है, लाइक मैं कहता हूं जेड वन जिसे ऊपर मैंने लेट किया और जेड टू, इन दोनों का प्रोडक्ट लें, जेड वन की वैल्यू क्या थी ए प्लस बी आयोटा और इंटू जेड टू की वैल्यू क्या थी सी प्लस डी आयोटा ठीक है। बेटा इनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट बेटा जैसे नॉर्मली हम प्रोडक्ट नाइन्थ टेंथ में भी आप शायद करते रहे होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड में भी किया होगा जिन्होंने जनरल मैथ पे पढ़ा हुआ है, कि फर्स्ट वैल्यू पहले हम फिक्स कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। अब देखिए प्लस का ए लिखा हुआ है, प्लस का ए मल्टीप्लाई होगा प्लस के सी से तो क्या होगा प्लस का ए सी आ जाएगा, प्लस लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी होती है। अब प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ तो प्लस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ए डी आयोटा आ गया। ओके अब ये खत्म हो गया, अब इसकी बारी आएगी प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस सी के साथ तो प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ प्लस, ये बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा डी आयोटा के साथ तो बी डी आयोटा स्क्वायर, बेसिस सेम पावरें जमा हो जाएंगी तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके ए सी स्टूडेंट्स यहां पे ये आ जाएगा प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और आपको बताया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल किसकी होती है माइनस वन की, तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस बी टी आ जाएगा। ओके अब स्टूडेंट्स यहां पे जो रियल पार्ट है इनको इकट्ठा कर लें, क्या होगा ए सी माइनस बी डी ठीक है, और जो हमारे पास इमेजिन जो आयोटा वाली वैल्यू है वो ये चीज है, उसको इकट्ठा लिख लें, बल्कि इनमें से कॉमन आ जाएगा आयोटा कॉमन आ जाएगा, उसमें कॉमन निकाल लें तो रिमेनिंग पार्ट बेटा हमारे पास यहां पर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी आ जाएगा ठीक है। तो ये जेड वन इंटू जेड टू की मल्टीप्लीकेशन इस तरह जनरल फॉर्म में हो जाएगी। ओके इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं अगर, तो उसमें क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टू पॉइंट था ये थ्री पॉइंट नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट नंबर थ्री, उसके लिए क्या होगा जेड वन ओवर जेड टू डिवाइड करना है ना, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, फर्स्ट वैल्यू z1 ऊपर आएगी वो है a प्लस बी आयोटा और सेकंड वैल्यू z2 की है वो c प्लस डी आयोटा, वो फ्रैक्शन से नीचे आ जाएगी ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसको डिवीजन को जब सॉल्व करने के लिए हम रेशियोनलाइज करते हैं, क्या करते हैं रेशियोनलाइज। अब बेटा रेशियोनलाइज किस तरह करते हैं हम c प्लस डी आयोटा, बेटा रेशनलाइज फ्रैक्शन से नीचे वाले वैल्यू के साथ भी हो जाती है, फ्रैक्शन से ऊपर वाले वैल्यू के साथ भी हो जाती है, असल में अक्सर स्टूडेंट समझते रहते हैं शायद फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू से ही होती है, तो मैं अभी फिलहाल फ्रैक्शन से नीचे वाले से करने लगा हूं। रेशनलाइज करते कैसे हैं, जो आयोटा के साथ वाला साइन होता है ना, जो आयोटा के साथ अलामत होती है उसको चेंज कर देते हैं, मीन सी माइनस डी आयोटा ओवर सी माइनस डी आयोटा, मीन जो वैल्यू चेंज की है ना माइनस, वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे खुद से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें सिंपली, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाई करने से जब जिस तरह मैंने अब मल्टीप्लाई करवाया आपको ए प्लस बी आयोटा जरब मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी आयोटा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी
माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक बार प्लस होता है वैल्यू एक बार क्या होता है नेगेटिव होता है वैल्यू, ऐसे ही होता है ना। तो अब यहां पे देखें ए ए बी बी और ये प्लस और माइनस, मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ये ए समझ लें इसको, इसको बी ए समझ लें सेम है, इसको बी समझ लें इसको बी समझ लें तो ये सेम है। तो हम लिख सकते हैं इसको फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का डी आयोटा का स्क्वायर। ओके अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, यहां पे बेटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है मल्टीप्लाई से होगा तो प्लस हो जाएगा बी डी ओवर या नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर। अब यहां पे बेटा आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी माइनस वन की, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, यहां पे डी का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है इसको बेटा आप सेपरेट लिख सकते हैं, अब मैं एक स्टेप कर देता हूं ए सी रियल पार्ट अलहदा कर ले प्लस बी डी, ठीक है और यहां पे इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें से कॉमन ले आयोटा कॉमन ले लें तो बेटा उसको लिख सकते हैं हम बी सी मैंने पहले लिख लिया माइनस ए डी और यहां से आयोटा कॉमन ले लिया फ्रैक्शन से नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बेटा फर्स्ट वाली इसके नीचे डिवाइड भी हो जाएगा दूसरे के नीचे डिवाइड भी हो जाएगा ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस यहां पे बेटा ये है बी सी और ये ए डी लिखा हुआ है ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आयोटा ये जेड वन ओवर जेड टू की हमने उसको सॉल्व किया। ओके होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक ये लेक्चर समझ आया होगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट इसी के हम एक्सरसाइज करेंगे प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको मजीद इसमें समझ आ सके। ओके अल्लाह हाफिज़।